गाइस क्या आप मेरी तरह बैठे बैठे ऐसे एक्सपो में डूबना चाहते हो अच्छा एंड मेरी तरह बैठे बैठे इतनी सारी लूट गेन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक फिश फार्म। तो फिश फार्म को बनाने का जो सामान चाहिए वो ये रहा। यहाँ पे हमारे पास जो सारा सामान है आप इसको एक बार देख लेना एंड इसके बाद हम पहले यहाँ पर डे कर लेते हैं। गाइस अगर आपको क्रीपर फार्म की वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट करके, मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा। तो फिर यहाँ पे क्लियर कर दिया डे। एंड हाँ गाइस वो क्रीपर फार्म इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा तो आप बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा जल्दी। पहले हमारे को एक चेस्ट प्लेस करनी है यहाँ पे ऐसे लाइक दिस एंड उसके बाद हमारे को क्राउच करना है, साइन बोर्ड लगाना है तीन साइड, एक यहाँ पे। अरे सॉरी गाइस ये मैं वो कर रहा था ना, तो यहाँ पे ऐसे क्राउच करके तीनों साइड लगा देने, यहाँ पे भी लगा दिया है। एंड उसके बाद हमारे को जाना है पीछे की साइड एंड यहाँ पे एक ट्रैप डोर प्लेस करना है एंड फिर यहाँ पे भी ट्रैप डोर एंड फिर जंप करके यहाँ पे भी एंड यहाँ पे हमने ये कर लिया। एंड उसके बाद हमारे को क्या करना है, इसके ऊपर आना है। हमारे को क्या करना है, एक सेकेंड शाबाश, दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे हम दोबारा कर लेते हैं, इसको लगाया साइन बोर्ड एंड यहाँ पे दोबारा से साइन बोर्ड लगा लिया हमने। एंड हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आना है, हमारे को वाटर बकेट डालनी है एंड उसके बाद हमारे को जो फिश वाली बकेट है उसे भी डाल देना है। एंड गाइस इतना करने के बाद हमारा फार्म पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पूरा नहीं। अब क्या करना है, हमारे को फोर ब्लॉक करना है एंड ये फोर एंड ये 1 2 3 4 एंड ये 1 2 3 4। गाइस यहाँ पे आपको ध्यान से देखना क्योंकि वैसे तो आसान है लेकिन थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लिकेटिव लगे कि समझना है। दो डबल चेस्ट प्लेस करनी है एंड उसके बाद हमारे को करना हॉपर एंड एक ब्लॉक लगाना है टेम्परेरी एंड उसके ऊपर डालनी है रेल एंड उसके बाद हॉपर विथ माइन कार्ट एंड थोड़ा सा अंदर खिसका दो एंड उसके बाद ब्लॉक तोड़ के यहाँ पे हमको क्या करना है, साइड में आना है, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा देना है जस्ट लाइक दिस। एंड उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे ग्लास ब्लॉक लगा देना है चेस्ट के ऊपर जिससे चेस्ट आसानी से खुल सके एंड जो हमारी हॉपर विथ माइन कार्ट है वो कहीं जा ना सके। तो जल्दी ले लेते हैं इसको इस कार्ट की जगह एंड यहाँ पे लगा दिया हमने दो ग्लास ब्लॉक एंड उसके बाद पूरा यहाँ पे हम कवर कर लेंगे स्टोन ब्लॉक से। तो यहाँ पे कर लिया एंड हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लावा डालेंगे हॉपर वाले ब्लॉक के ऊपर, बिल्कुल हॉपर विथ माइनकार्ट के ब्लॉक के ऊपर। एंड इतना करके बाद हमारा फार्म बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक रास्ता बनाते हैं नीचे जाने के लिए एग्जिस्ट कर जिससे हम उसको खोल सकें। तो गाइस यहाँ पे काम करता हूँ, ये ब्लॉक तोड़ा एंड गाइस यहाँ से इसे खोल के रेल निकाल लेते हैं। अब गाइस हमको क्या करना है, यहाँ पे आना है एंड इसको थोड़ा बहुत डेकोरेशन करने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। तो गाइस यहाँ पे मैंने दो वो ले रखे हैं फिशिंग रोड, एक पे लक ऑफ सी लूरिंग है एंड एक सिंपल, और ये देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन की हमने। तो गाइस अब क्या बताता हूँ मैं, जो हमारी लक ऑफ सी वाली वो है ना फिशिंग रोड, उससे गाइस हमारे को ज़्यादा चांस है कि बढ़िया बढ़िया आइटम मिले एंड ये नॉर्मल वाली उससे भी है लेकिन उतने ज़्यादा नहीं। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो ये नॉर्मल वाली थोड़ा टाइम लगा है इसने, अब ये हो गया हमारा। एंड उसके बाद ये रही हमारी वो वाली क्या कहते हैं एंचेंटमेंट लक ऑफ सी लूरिंग वाली। अब देखते हैं नीचे जाकर क्या क्या मिला हमारे को। तो देखिए गाइस सबसे पहले नीचे जाएंगे, नॉर्मल वाले से एक फिश मिली है एंड उस दूसरे वाले से बो मिली है। तो गाइस कितना बढ़िया है ना गाइस ये फार्म। अब मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे AFK करता हूँ एंचेंटमेंट वाली से। तो गाइस मैंने यहाँ पे बहुत देर तक फिशिंग करी है एंड गाइस 6 फिश आई है एंड उसके बाद 3 बुक आई है, फायर फॉलिंग और फायर प्रोटेक्शन एंड स्मिथ। तो गाइस कितना बढ़िया वर्क कर रहा है हमारा फार्म, आप कमेंट करके बताना कैसा लगा।